हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मैं न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने रियलमी फ़ोन में जो टच वाइब्रेशन होता है, उस टच वाइब्रेशन को हम कैसे इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं अपने रियलमी फ़ोन में। तो इस टच वाइब्रेशन को इनेबल एंड डिसेबल करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इस वीडियो को हम सिंपली शुरू कर देते हैं। तो इस टच साउंड वाइब्रेशन का मतलब है, जैसे आप टच किसी भी आइकन पर क्लिक करोगे तो इस आपको जो वाइब्रेशन है वो सिंपली आता है, तो उस वाइब्रेशन को ऑन करना है। तो सिंपली इसको ऑन करने के लिए आपको जो अपनी मोबाइल सेटिंग्स है उसको हमें ओपन करना है। मोबाइल सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से कुछ ऑप्शन शो होंगे, तो सबको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के लिए यहाँ पर आपको साउंड ऑप्शन शो होता होगा, तो इसे हमको सिंपली साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करने का। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे लास्ट का सेकेंड ऑप्शन टच वाइब्रेशन का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने जो हमारा वाइब्रेशन ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। और जैसे कि हम किसी भी आइकन पर क्लिक करेंगे जो हमारा वाइब्रेशन है सिंपली आएगा, तो ये देखिए मुझे वाइब्रेशन आ रहा है। तो इस तरीके से टच वाइब्रेशन ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं अपने रियलमी फ़ोन में। और कैसे इसको अगर आपको उसे ऑफ़ करना है, तो ऑफ़ करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, जो आपकी सेटिंग्स ऑप्शन है सेटिंग्स ऑप्शन को फिर से ओपन कर लेना है। सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए यहाँ पर आपको फिर से ऐसे ऑप्शन शो होंगे, तो ऑप्शन शो होने के लिए यहाँ पर आपको साउंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। साउंड ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए उसी सेटिंग्स में आना है। उसी सेटिंग्स में आने के लिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन आपने पहले ऑन किया था उसी ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है। उसी ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए जो मतलब टच साउंड होगा मतलब ऑफ, जो टच वाइब्रेशन होगा मतलब ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं टच वाइब्रेशन को इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं अपने रियलमी फ़ोन में। तो गाइस, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।